କାଲି ଯୋଉ ମ୍ୟାଚଟି ଥିଲା ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ କହିହବନି ଏବଂ ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁବ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା କାରଣ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ 4-0 ଗୋଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଖରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଲରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଲ ସଂଖ୍ୟା 4-0 ସୀମିତ ରହିଲା ତେବେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ଜାପାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାରଣ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମ୍ୟାଚରେ ଆମେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭେଟିବା ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ କଥା କହିବା କିମ୍ବା କୋଚ୍ଙ୍କ କଥା କହିବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜାପାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦେଖାଇବାନି ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତିରେ ଆମେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୋଚ୍ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସତେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ସିଂ ସାର୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ କ୍ୟା କହିଙ୍ଗେ ଲିଗ୍ ମେ ଯୋ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଆ ଥା ଜାପାନ କେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଏକ ଗୋଲ୍ ମେ ଡ୍ର କିଆ ଥା उसमें 15 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे जिसमें से 12 हरमन ने लिए लेकिन दिक्कत ये तब इंडिया टीम तब आई खेलने आई थी क्योंकि तब तक वो स्पेन से ये लोग लौटे थे उतनी फ्रेश नहीं थी और दूसरा ये कि यहाँ सभी अपने सब कार्ड खोल नहीं रहे हैं हरमनप्रीत भी बहुत सीधे बहुत वेरिएशन ट्राई नहीं किया उन्होंने गोल हो गया मतलब इतना था कि भाई मैच जीतना चाहिए था लेकिन खैर ये खेल में कोई भी निश्चित नहीं होती है क्योंकि जब तक आप खेलते हैं मैदान पे जरा सा एक क्षण का बाहर से बैठ के आलोचना ठीक लगती है लेकिन फिर भी हाँ हरमन सिंह सबसे ज्यादा सात गोल करके शीर्ष पर चल रहे हैं हमारे दो ड्रैक फ्लिकर ने भी दो दो गोल किए हैं मैं जुगराज सिंह ने दो गोल किए हैं दो गोल जो है वो वरुण ने किए हैं दो गोल जो है वो आकाशदीप दो गोल सुखजीत दो गोल जो है वो सुखजीत के साथ अग्रिम पंक्ति में मनदीप ने किए मनदीप ने एक गोल पेनल्टी कॉर्नर पे गया एक किया है तो इसलिए कुल मिला के टीम अच्छी लय में है सही समय पे ऐसा होता है किसी बड़े टूर्नामेंट में सही समय पे सही लय में आना चाहिए सेमीफाइनल एगेंस्ट जापान सर क्या क्या एरिया में इम्प्रूव करना चाहिए भाई बेसिकली है कि बॉल पोजिशन ज्यादा गेंद को अपने अपने कब्जे में देना रखना चाहिए और उनको मतलब कि रॉन्ग पासे से बचना होगा और दूसरा ये कि उनका रशर जो है उसको पिछली बार मार्क किया कि वो हरमनप्रीत को रोकने के लिए बराबर आगे आ रहे थे तो उसके लिए निश्चित रूप से कोच ने नीति बनाई होगी यहां तक हरमनप्रीत ने खुद बोला कि भाई मैंने जो है हम लोगों ने भी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं हम भी एक सीधा ट्राई बहुत ज्यादा वेरिएशन के नहीं गए लेकिन ये ठीक है फिर भी जीत जरूरी है और उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह जीत नहीं होगा क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इनको वर्ल्ड कप में 8-0 से हराया था लेकिन उससे पहले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में में हमारा पहला मैच हमने इनसे जीता था शुरू का मैच 6-0 से बाद का मैच जो है वो हमने इनसे क्या ना हम लोग हार गए थे 3-4 से तो उस तरह की पर किस तरह की ढील से बचना होगा कुल मिला के भारतीय टीम हर लिहाज से बेहतर है पाकिस्तान एगनेस्ट क्या क्या लैक हुआ है जो लैक जापान एगनेस्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी कोई कमी नहीं देखिए पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं था उसे जीतना ही था जितना जीत से उसका काम बनता इसलिए वो ऑल आउट गए जो शुरुआत में गोल हुआ वो हो जाता हो सकता है थोड़ा टफ होता है थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है जीत के लिए खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं